Hey guys, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे Avengers 5 और 6 से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। अगर आप मेरे को Instagram पे फॉलो करते हो तो आपको ये सारे अपडेट तो पता चल चुके होंगे, बट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Avengers 5 और 6 और Fantastic Four के अपडेट के बारे में और पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये जब अनाउंसमेंट हुआ था तो भाई मैं इसको लाइव देख रहा था और जैसे ही एवेंजर्स 5 का और 6 का लोगो होता है और उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है उसी से लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो कि मतलब कह सकते हो कि आप एक मार्वल डाई हार्ड फैन होगा तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। पर कोई नहीं, समय बर्बाद ना करते हुए बात करते हैं सैन डिएगो कॉमिक कॉन में हमें क्या क्या देखने को मिला और फेज 6 में हमें क्या क्या मिलने वाला है। ये इवेंट बहुत बड़ा होने वाला है तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक अलग अलग से वीडियो तो बनती है। तो चलिए सबसे पहले आज बात करते हैं सैन डिएगो कॉमिक कॉन में फेज 6 के बारे में और इसको एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या डिटेल निकल के आई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फैंटास्टिक फोर के अपडेट के बारे में। तो फैंटास्टिक फोर जो अपकमिंग मूवी आ रही है ये एक्चुअली में रीड रिचर्ड जो कि हमारे मिस्टर फैंटास्टिक होंगे उन पर फोकस होगी। 3 कैरेक्टर को दिखाया जाएगा पर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगी इस मूवी में जितनी ज्यादा रीड रिचर्ड की इंपॉर्टेंस होने वाली है। इस मूवी को रिलीज करा जा रहा है साल 2024 में 8 नवंबर को, जो कि सबसे पहली मूवी होगी फेज 6 की, जो कि बहुत बड़ी बात है हम फैंस के लिए, जिसमें कि हमें फैंटास्टिक फोर से इंट्रोडक्शन कराया जाएगा और प्रॉपर एक स्टोरी दिखाई जाएगी। बट उसी के साथ साल 2025 में 2 मूवी काफी कमाल की आने वाली है, एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी। तो ये मूवी रिलीज होगी 2 मई 2025 को। साल 2025 में सिर्फ 2 ही मूवी हमें देखने को मिलने वाली है और सबसे बड़ी बात कि इसका जो नाम है, जो टाइटल है कैंग डायनेस्टी, ये कोई एक्चुअल में नाम नहीं है। जो कॉमिक बुक जो मार्वल डाई हार्ड फैन होगा उनको ये चीज पहले ही पता चल चुकी होगी कि क्या होने वाला है कैंग डायनेस्टी में। इस नाम का मतलब है कि सम टाइम कैंग वॉर, यानी कि अलग अलग टाइम में, अलग डायमेंशन में, अलग मल्टीवर्स में अलग अलग लड़ाइयां चल रही हैं। जी हाँ, हर जगह एवेंजर्स सिर्फ कैंग से ही लड़ने वाले हैं। सारे कैंग एक जगह इकट्ठा होकर भी लड़ते हैं एक अलग यूनिवर्स में, तो कुछ इस टाइप की हमें स्टोरी देखने को मिलेगी। अब बात करी जाए कि अगर आपको टाइटल समझ में आ गया तो स्टोरी भी थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अब सबसे बड़ी बात, जो कैंग डायनेस्टी है, आपने देखा होगा कैंग को सबसे पहले रिवील कर दिया था लोकी में, फिर उसके बाद हमें दिखाया जाएगा एंटमैन क्वांटम मिनिया में, अब सीधे एक एवेंजर्स मूवी, समझ रहे हो कितने बड़े लेवल की बात हो गई। तो कैंग डायनेस्टी की जो कॉमिक बुक है मैं उससे कंपेरिजन करके आपको बताऊंगा कि क्या स्टोरी हो सकती है। तो जो कैंग डायनेस्टी की स्टोरी दिखाई गई है हमें कॉमिक बुक में, अगर एमसीयू में अगर ऐसा होता है तो लिटरली मजा आ जाएगा। अगर आप थिएटर की कुर्सी ना तोड़ दो तो मेरा नाम बदल देना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में। कैंग डायनेस्टी की जो स्टोरी है वो आपको ये दिखाएगी कि अलग अलग टाइम में, मल्टीवर्स में, डायमेंशन में कैंग अलग अलग जगह एवेंजर्स से लड़ रहा होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो जरूरी नहीं है कि एवेंजर्स वो पुरानी वाली टीम हो जिसमें कि आयरन मैन, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो, हॉकआई सब हो, अलग अलग एवेंजर्स हो सकते हैं, क्या पता दूसरी कास्ट भी हो सकती है, क्या पता टॉम क्रूज एज आयरन मैन हो, रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी रिटर्न हो जाए या फिर कोई दूसरा आयरन मैन हो, समझ रहे हो ना, मतलब अलग अलग टीम, अलग अलग लोग, अलग अलग कास्टिंग, अलग अलग, पर कैंग बंदा एक ही होगा जो कि इन सबसे अलग अलग डायमेंशन में लड़ रहा होगा। ये है इस मूवी का स्टोरी प्लॉट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कल इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। और जब फाइनल एंडिंग तक हम पहुंचेंगे, जो कि इस मूवी की रनिंग टाइम हो सकती है 3 घंटे की, और जब हम एंडिंग में पहुंचेंगे तो कैंग एक्चुअली में हर यूनिवर्स में, हर टाइमलाइन में जीत चुका होगा। टेम्परेरी, ये शब्द आप नोट कर लो, टेम्परेरी कैंग इस मूवी में विनर होने वाला है, जो कि बहुत बड़ी बात है कि कैंग हमें जीतता हुआ दिखाया जाएगा। और बात करें एवेंजर्स की, कि एवेंजर्स की क्या हालत होगी उस टाइम, तो भाई उनके तो बस लग जाने हैं ढंग से, अच्छी तरीके से। हर यूनिवर्स में एवेंजर्स हार चुके होंगे और पूरा मल्टीवर्स कैंग जो कि कब्जा करना चाह रहा है हर जगह वो जीत चुका होगा और उसका फाइनली रियलाइज हुआ कि मैं अब हर यूनिवर्स में जीत चुका हूँ, पर ये टेम्परेरी है। बट उसके बाद केविन फाइगी अनाउंस करते हैं सैन डिएगो कॉमिक कॉन में दूसरी मूवी, जो कि साल 2025 में हमें एवेंजर्स एक और देखने मिलने वाली है। मतलब समझ रहे हो 2019 में इन्फिनिटी वॉर, फिर एक साल का वेट करने के बाद एवेंजर्स एंड गेम, बट एक ही साल में दो मूवी, ये सुनते ही मतलब छाती ऐसी हो गई कि क्या होगा, वो दौर वापस आने वाला है इन्फिनिटी वॉर एंड गेम का। बट कोई नहीं, थोड़ा ना खुशियों को कंट्रोल करते हुए स्टोरी पे बात करते हैं। सीक्रेट वॉर, सीक्रेट वॉर से आप समझ गए होंगे कि किस टाइप की मूवी होने वाली है। अब इसमें कैंग का तो दूर दूर तक नाम नहीं है, हाँ मूवी का मेन विलेन है
बट इसका मूवी का जो मेन विलेन एक्चुअल में होने वाला है वो है डॉक्टर डूम। अब डॉक्टर डूम का नाम आते ही फैंटास्टिक फोर आ जाते हैं, तो उस मूवी में फैंटास्टिक फोर होंगे और पहले ही ऑलरेडी हम मूवी देख चुके होंगे पिछले साल यानी कि साल 2024 में, तो डॉक्टर डूम इस मूवी के मेन विलेन हो सकते हैं। ठीक है, मैं कॉमिक बुक कंपैरिजन बता रहा हूँ, कोई ऑफिशियली प्लॉट नहीं बता रहा हूँ, ना ही कोई लीक्स बता रहा हूँ। डॉक्टर डूम एक कॉस्मिक आइडेंटिटी से मिलेंगे जिसका नाम होगा मॉलिक्यूल मैन। अब ये एक ऐसा बंदा है जो कि बस पूछो मत, मूवी देखना डायरेक्ट, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है। ये एक ऐसा बंदा है जो कि डॉक्टर डूम को एक ऐसी पावर प्रोवाइड कराएगा जो कि डॉक्टर डूम पे जब ये पावर आ जाएगी तो वो अलग अलग मल्टीवर्स का कुछ पार्ट लेकर अपना खुद का एक यूनिवर्स बनाएगा जिसमें कि ज़ॉम्बीज भी होंगे और उसी के साथ पुराने एवेंजर्स भी होंगे, न्यू एवेंजर्स होंगे, यंग जस्टिस होंगे, टीवी के सारे कैरेक्टर्स होंगे, फैंटास्टिक, म्यूटेंट, एक्समैन, कॉस्मिक आइडेंटिटीज भी होंगी, सेलेस्टियल्स होंगे, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ। डॉक्टर डूम अपना खुद का यूनिवर्स बनाएगा और उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और इस मूवी में कैंग भी होने वाला है, तो कुछ इस टाइप की स्टोरी आपको देखने को मिल सकती है इस मूवी में। तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि अगर ऐसी स्टोरी देखने को मिली इन दोनों मूवीज में, और एक ही साल दो मूवी आ रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हो, जिसमें कि फैन सिर्फ उन मूवी की चर्चा करेंगे और सब मूवीज को भूल जाएंगे 2025 में, ये मेरा प्रॉमिस है। क्योंकि एंड गेम के टाइम जो हुआ, सिर्फ एक मूवी आ रही थी और इतना बड़ा लेवल का जो हाइप क्रिएट था, और सोचो एक ही साल में दो मूवी आ रही है तो भाई क्या होने वाला है। तो भाई हम तो बिल्कुल तैयारी करके बैठे हुए हैं, एक भी चीज छोड़ने नहीं वाले हैं और सारी अपडेट आपको प्रोवाइड करेंगे 2025 तक और उसके बाद भी। और फाइनली केविन फाइगी ने खुद कंफर्म करा था कि सीक्रेट वॉर एंड होगा मार्वल फेज 6 का, और वहीं से इंट्रोडक्शन कराया जाएगा मार्वल फेज 6 का जो कि कॉस्मिक होने वाला है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी वॉर सागा खत्म, मल्टीवर्स सागा खत्म और कॉस्मिक सागा चालू। आई होप कॉस्मिक सागा बहुत बड़े लेवल का इवेंट है जिसमें कि बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। अगर उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस चाहिए या फिर सीक्रेट वॉर से रिलेटेड कोई स्टोरी चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय, चलो।